स्टूडेंट, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या है और उसका हम किस तरह से रिलेशनल डेटाबेस को डिफाइन करते हैं। जो रिलेशनल डेटाबेस है उसका डिफाइन करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे डेटाबेस क्लाउड में प्रेजेंट है, कुछ एग्जाम्पल जैसे गूगल क्लाउड हो गया, एक गूगल क्लाउड एसक्यूएल है आपका, अमेजोन का है, AWS का है, अज्योर का है, दे आर यूजिंग देयर ओन क्लाउड। ये हम अपना क्लाउड का यूज करते हैं। सो हम क्लाउड के डेटाबेस को समझने से पहले, मीन्स अगर हम रिलेशनल डेटाबेस को समझे, सो थोड़ा सा ट्रेडिशनल डेटाबेस को भी समझना पड़ता है कि किस तरह से डेटाबेस सिस्टम काम करता है और ये स्टोर कैसे होते हैं। किस तरह से स्टोर का मतलब डेटा का एक जगह पर कलेक्शन होना, संग्रहित होना, तो किस तरह से वो यूज करते हैं। जो यूजर होता है वो एप्लीकेशन से प्रोग्राम्स को, जो प्रोग्रामर्स होता है बेसिकली, वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, RDBMS या SQL के साथ, क्योंकि हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं। सो जो रिलेशनल डेटाबेस विच इज ऑन SQL पर रहता है, सो जो रिलेशनल डेटाबेस SQL से इंटरैक्ट करता है अपने ट्रेडिशनली वे में, ऑपरेट करता है या ऑपरेशन की फंक्शंस को बताता है, डिफरेंट अलग अलग ब्लॉक्स में लेके चलता है, ब्लॉक्स को मैनेज कौन करता है, सो ब्लॉक्स को जो मैनेज करता है वो डिस्क स्पेस मैनेजमेंट होता है। जो ट्रेडिशनल डेटाबेस चला रहा था हमारा SQL का, उसमें जब बल्क में डेटा आता था उस टाइम पे डेटा की जो अवेलेबिलिटी या फिर कहना चाहिए जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो स्लो हो जाती थी। इस वजह से हमने क्या किया कि रिलेशनल डेटाबेस में, सो अभी कुछ क्लाउड्स अपने ओन रिलेशनल डेटाबेस को यूज करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को स्टोर करके चलता है। डेटा को किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से उसका कलेक्शन करना होता है, एक जगह पे कलेक्शन करना, ये होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा को मैनेज करके सिस्टम को चलाना, दिस इज योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। तो R स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस। सो हम जो बात करते हैं एक कलेक्शन की, एक संग्रहण की, तो वो टेबुलर फॉर्म में, रोज एंड कॉलम के एस्पेक्ट्स में, क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि हमारा डेटा जब बल्क में आता है, जो ट्रेडिशनल डेटाबेस था SQL, वो स्लो हो जाता था कंपैरिजन जब आपका बल्क डेटा आता था। सो इंट्रोड्यूस किया अपना RDBMS, जो एक टेबल दूसरे टेबल से क्या कोरिलेशन लेके चलती है, यानी रिलेशन लेके चलती है, ये रिलेशन जो कि एक दूसरे से प्री डिफाइन होती है और एक दूसरे के समर्थन में आके चलती है। जो कलेक्शन होता है RDBMS में, कलेक्शन मतलब कैसे आपका डेटा जो है वो एक जगह पे स्टोर होता है और किस तरह से वर्क करता है। जो गूगल क्लाउड है, IBM क्लाउड है, Azure क्लाउड है, AWS क्लाउड्स हैं, ये सब अपने मैनेजमेंट सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग लेकर के चलते हैं। इनका जो स्टोरिंग होता है, क्योंकि हर टेबल उसमें एक डिस्क होती है, जो डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो डिस्क होती है वो टेबुलर फॉर्म में और रोज और कॉलम के साथ कंसिस्ट होके चलती है। सो जो मेमोरी डिस्क में जो बफर होता है, मेमोरी बफर होता है, वो पेज को रिक्वेस्ट करता है, मतलब कैसे फैच करता है, तो वो पेज को रिक्वेस्ट करता है बफर से, और उस फाइल या बफर में जो फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली जो ऑपरेट होता है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ वर्क करता है। सो ये जो फैचिंग होता है या पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल भी दे सकते हैं पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के लिए, जो हमारा बिग टेबल होता है, क्योंकि बिग टेबल जो होता है गूगल का है और वो अपने फाइल को स्टोर करके चलता है। सो जो बिग टेबल एक जगह पे कलेक्शन लेके चलता है या स्टोर करके चलता है, क्योंकि गूगल फाइल सिस्टम, गूगल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बेसिकली जो फाइल्स को कलेक्ट करके रखता है बिग टेबल पे, और प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स जो है उसकी एच बेस टेबल उस पे काम करता है। तो जो आपका ये एच बेस टेबल, गूगल टेबल जो है, वो रिक्वेस्ट कैसे करता है, सो ये रिक्वेस्ट करता है पेज फॉल्ट के साथ, यानी मेमोरी बफर में जो OS होती है वो रिक्वेस्ट करती है और उसके साथ एक वर्क करके चलते। सो दैट इज बेसिकली अ रिप्लेसमेंट पॉलिसी, और आपका एक पेज को हम रिक्वेस्ट करते हैं और ये काम कैसे करता है। जो कलेक्शन होता है दो टेबल में, बेसिकली वो इंडेक्स के साथ चलता है। इंडेक्स का मतलब होता है कि जो टेबल होती है उसमें एक सूचक, सचक हम इंडेक्स को सूचक कहते हैं, सूचक मतलब इंडेक्स इज प्रेजेंट, क्योंकि आपका जो पेज है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, किस जगह पर है,
वो आपका इंडेक्स के साथ क्या होता है, एक कलेक्ट होता है, इंडेक्स के साथ लेके चलता है। इसलिए जो एसक्यूएल होती है हमारी, वो कलेक्शन, वो क्रिएट करना, सिलेक्ट करना और एक नए जगह पर इकट्ठा करना और उसको वापस से डिलीट करके वर्क कराना, हम रिलेशनल डेटाबेस में इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करके चलते हैं। और इस तरह से हमारा एक टेबल जो होता है दूसरे टेबल के साथ काम करता है। बेसिकली ये जो काम करते हैं वो डिस्क में काम होता है। जो डिस्क होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है। सो हमने कहा इंडेक्स, मतलब स्टोरेज इंडेक्सिंग लेयर। जो स्टोरेज होती है वो इंडेक्सिंग लेयर यानी डेटाबेस सिस्टम में लेयर, इंडेक्स लेयर के साथ काम करती है। और इसमें जो डिस्क पेज होता है वो किसके लिए हेल्प करता है कि हमारा डेटा कहाँ पर लोकेटेड है, या जो रिकॉर्ड है आपका वो उस डिस्क पेज पे कहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है। इंडेक्सिंग जो है उस पूरे फेस पे वर्क करती है। सो बेसिकली आप जब फाइल की रिक्वेस्ट करते हैं विच इज स्टोर्ड ऑन द डेटाबेस, वो हमारे डेटाबेस में, वो जो डेटाबेस जहाँ पे मेमोरी बफर स्टोर है उस मेमोरी बफर पे आप क्या करते हैं उस डिस्क पेज को, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बफर उस डिस्क पेज में है, वहाँ पे ऑपरेटिंग करने का यानी ऑपरेट करने का हम रिक्वेस्ट करते हैं। सो इंडेक्सिंग इज देयर, वहाँ पे इंडेक्स प्रेजेंट है। वो इंडेक्सिंग जो होती है वो उस दोनों लेयर में डेटाबेस के साथ सिस्टम के साथ काम करती है और उस करेक्ट लोकेशन पे जा करके इंडेक्स आपको ओके करती है और आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेस करवाती है। सो बेसिकली वर्क किस तरह से डीबीएमएस जो होते हैं आरडीबीएमएस करती है, ये इंडेक्सिंग सूच के साथ साथ मीन्स जो पेजेस होती हैं, लेयरिंग्स होती हैं, उनमें बेटर वर्क करना यानी अच्छी अवेलेबिलिटी या बेटर वर्क या अच्छी सिक्योरिटी के साथ ये पूरे का वर्क को परफॉर्म करती है। जो रिलेशनल डेटाबेस टेबल होता है वो स्टोर्ड होता है डिस्क पेज या एक्सेस्ड में, किसके थ्रू, इंडेक्सेस के थ्रू, क्योंकि इंडेक्सिंग क्योंकि हमने की बात की है की विच इज ऑन द प्राइमरी जो कि टेबल और रोज में है, और ये जो की और रोज होती हैं वो इंडेक्स के साथ इंक्लूड होती हैं, इसलिए स्पेसिफाइड होती है कॉलम्स में। कोई भी सर्चिंग करती है उनकी अपनी सर्चिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं जो स्टोर होती हैं बेसिकली अ ट्री सिस्टम के साथ, या हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम डिस्क स्पेसिंग में अगर हम ले तो बी प्लस ट्री की बात कर सकते हैं। रोज स्टोर्स जो होती हैं वो बी प्लस ट्रीज के साथ कंसिस्ट होती हैं। पेजेस कंटिन्यूस के साथ कलेक्शंस के साथ होती है, कंटिन्यूस कलेक्शन, तो कंटिन्यूस पेजेस जो होती हैं वो स्टोर का होके रखती हैं। कंटिन्यूस पेजेस जो होती हैं एक पेज दूसरे पेज के साथ रिलेशन होता है और वो पूरी की पूरी इंडेक्सिंग जो होती है वो बी प्लस ट्री यानी इंडेक्स हैश या सूचकांक या फिर बिट मैप इंडेक्स के जैसे काम करता है। सो इंडेक्स जो है वो कैन बी अ प्राइमरी और वो रोज के साथ जो होती फिजिकली प्रेजेंट होती, फिजिकली रोज के साथ कंसिस्ट होती है। ठीक, जो डिफरेंस है हम रो और जो टेबल होता है वो रो ओरिएंटेड और कॉलम ओरिएंटेड होता है। रो ओरिएंटेड और कॉलम ओरिएंटेड, रो और कॉलम में दोनों में फर्क ये होता है कि जो रो ओरिएंटेड होती है वो आपकी प्राइमरी की के साथ कंसिस्ट होती है, जो वैल्यूज होती है वो आपकी यूनिक वैल्यूज के साथ कंसिस्ट होती है, जो टेबुलर ओरिएंटेड होती है वो जो कंसिस्ट करेंगी टेबुलर फॉर्म में, जो टेबल होगा वो टपल्स एट्रीब्यूट के साथ कंसिस्ट होती है। ठीक, सो अभी हमने जो समझा है वो बेसिकली डीबीएम आरडीबीएमएस के बारे में समझा जिसमें हमारी एसक्यूएल वर्क कर रही है। एसक्यूएल आरडीबीएमएस एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जहां पर डेटा कलेक्शन कैसे हो रहा है, किस तरह से आपकी रिक्वेस्ट को वर्क किया जाता है, या कोई भी पर अगर हम वेब सर्च पे काम करते सो जो हमारा कलेक्शन होता है या हमारा वर्क जो पेज होता है वो किस तरह से रिक्वेस्ट करके चलता है, कैसे वो पेज उस रिक्वेस्ट को ओके कराता है और आपके पेज बफर से जाकर के आपके पेज को कंसिस्ट करता है, ये अभी हमने अपने आरडीबीएमएस लेक्चर में पढ़ा है। थैंक यू।